हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी नेट की। और अभी आपके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, आई थिंक 5 से 6 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। सो आज हम लोग बात करेंगे कि अब इस लास्ट टाइम में हम कौन से ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करें ताकि हम उनसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्यों हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, सपोज आपके पास रियल एनालिसिस ही है, तो सबसे सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हम आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे लिनियर अलजेब्रा से, जहां से लगभग आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां से आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इजी इजी टॉपिक्स को तो, और जो इम्पोर्टेंट है उनकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका लिनियर अलजेब्रा लगभग कितने मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, ओके, आप यहां से देख सकते हैं 15 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 40 to 75 मार्क्स का आपसे पूछा गया है अभी तक के। ओके, सो 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, मिनिमम आज तक 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, हम 15 को ही मान के चलते हैं कि आपके पास में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं लिनियर अलजेब्रा के, तो कम से कम आप 10 तो इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। अगर आप इजी इजी भी देखेंगे, पार्ट बी से मोस्टली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। दिक्कत मोस्टली पार्ट सी में आता है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके चूज करने होते हैं, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। पर वहां पे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है मैट्रिक्स थ्योरी। ठीक है, मैट्रिक्स थ्योरी, तो मैट्रिक्स थ्योरी से सबसे पहले तो जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, मीन्स आपका जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्वायर हर्मिशियन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिसेस होती हैं, कई बार यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक बार जून 18 में आई थिंक पूछा गया था, आपको दे रखा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस बना रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक करेंगे और आपका मार्क्स पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको भी आपको ध्यान से देख लेना होगा कि कौन सा मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन आपकी होती है। ओके, उसके बाद डिटर्मिनेंट से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या दे देता है, काफी काफी बार आपका इसमें पूछा गया है कि आपको मैट्रिक्स दे देगा और उसका जो डिटरमिनेंट है वो कुछ पॉलिनोमियल फॉर्म में आपका आता है। ठीक है, उसके बाद में उससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कि ये पॉलिनोमियल है जो ये इनफाइनेटली मैनी जीरोज होंगे इसके, या फिर एग्जैक्टली 2 या 3 जीरोज होंगे, या फिर आपका डिटरमिनेंट फॉर ऑल जो भी सपोज एक्स वेरिएबल में है, टी वेरिएबल में, तो फॉर ऑल टी या एक्स के लिए आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रेस। ठीक है, डिटरमिनेंट और ट्रेस का जो आपके पास में इसका जो कंसेप्ट होता है वो आपका आइगन वैल्यूज वगैरह वहां पे भी आपका काम आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आइगन वैल्यूज। जैसे कई बार एक मैट्रिक्स दे देता है, बोल देता है कि इसमें से कौन सा इसका आइगन वैल्यू होगा या नहीं होगा, तो आपका 2x2 या 3x3 का देता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ट्रेस का आपके कैसे काम आता है कि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आपका डिटरमिनेंट हो जाता है, उनका सम जो होता है वो ट्रेस होता है। तो डायरेक्टली आप इस चीज को यूज करके ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे और जो ऑप्शन बच जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और उससे ज्यादा उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपका काफी यूजफुल है। उसके बाद में आइगन वैल्यू से रिलेटेड आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद में यहां से आपका डायगोनलाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन रहता है लगभग। ठीक है, डायगोनलाइजेबल आपको मैट्रिक्स दे देगा, उसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, या फिर काफी बार एक मैट्रिक्स दे देगा उसको पूछ लेगा ये आर पे डायगोनलाइजेबल है, सी पे डायगोनलाइजेबल है, इस टाइप से। ठीक है, यहां से लगभग क्वेश्चन आपका रहता है। फिर आता है जॉर्डन ब्लॉक, यहां से भी मोस्टली टाइम आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन, जॉर्डन ब्लॉक, डिटरमिनेंट, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, ये आपके
इजी वाले टॉपिक हैं जहां से लगभग आपको क्वेश्चन हमेशा मिलता है, तो ये तो आप लोग डेफिनेटली रिवाइज कर लेना, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके चलिए, ये आपका मैट्रिक्स थ्योरी का था। अब हम लोग एक बार थोड़ा वेक्टर स्पेस और लीनियर वाले से बात कर लेते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कभी कभी आपको चेक करने पूछ सकता है कि आपका जो भी मैपिंग दिया है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगभग हमेशा हर बार पूछा गया वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से लगभग क्वेश्चन होता है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कई बार तो आपको बेसिस दे देगा और पूछेगा कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है। कई बार आपको क्या दे देता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है उसके बारे में कि ये आपका सिंगुलर होगी या फिर इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, तो उसको भी आप कहाँ से बता सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी आनी चाहिए। और लगभग जो पूछता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आपको पॉलिनोमियल से, लगभग जो पूछता है वो पॉलिनोमियल से दिया हुआ था आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे P2 से P3 में दे दिया या P5 से P6 में, इस टाइप से दे दिया, तो लगभग आपका पॉलिनोमियल से ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है। सो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हो गया। इसका नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस से आपको लगभग पूछ लेता है कि आपको सेट दे देगा, पूछ लेगा कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर बोल देगा कि इसमें से कौन सा आपको वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। कई बार सब स्पेस आपसे पूछ लेता है कि एक वेक्टर स्पेस दे दिया और बोल देगा कि इसमें से जो कौन से सेट है वो इसके सब स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। कई बार आपको यहाँ पे दे देता है कि दो या तीन सेट दे दिया, उसमें बोल देता है कि इसमें से कौन सा बेसिस फॉर्म कर रहा है। फिर आपका डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस, यहाँ से डायमेंशन से भी लगभग क्वेश्चन रहता है आपका। वेक्टर स्पेस की भी डायमेंशन पूछ सकता है, सब स्पेस की भी डायमेंशन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये यहां से भी डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आता है, या तो वेक्टर स्पेस चेक करना, सब स्पेस चेक करना, बेसिस, या फिर लिनियरली इंडिपेंडेंट, लिनियरली डिपेंडेंट, यहां से भी लगभग क्वेश्चन रहता है, और डायमेंशन। ठीक है, तो ये तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहां से हो गया। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये मोस्टली टाइम आपको नॉन होमोजीनियस से पूछता है। ठीक है, कि आपको जैसे AX इक्वल टू B दे दिया, पूछ देता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दे दिया, तो बोल देगा कि ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, किस कंडीशन के लिए इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर काफी बार आपको इसमें कुछ वेरिएबल या कुछ कॉन्स्टेंट दे देगा, बोल देगा कि सपोज लैम्डा या CAB, कुछ भी दे देता है, कुछ देता है कि किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका कौन कंसिस्टेंट होगा, किसके लिए इनकंसिस्टेंट होगा, किसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपका क्वेश्चन पूछता है, और ये भी आपका लगभग पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, मैट्रिक्स थ्योरी में आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद में डायगोनलाइजेशन, जॉर्डन ब्लॉक, और आपका डिटर्मिनेंट और ट्रेस का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और आइगन वैल्यूज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल कर्ले हैमिल्टन थ्योरम वहां से रिलेटेड। ठीक है, इतना पूछता है। उसके बाद में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना आना चाहिए और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी आनी चाहिए, यहां से इतना पूछता है। फिर हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस आपको चेक करना आना चाहिए, डायमेंशन उनकी पता होने चाहिए कि वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और बेसिस चेक करना। ठीक है, उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट होता है कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब आपका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कई बार कंडीशन पूछ लेता है कि एम ग्रेटर देन एन के लिए, या फिर कब आपका सॉल्यूशन यूनिक हो गया, या इस टाइप से आपका पूछ लेता है, ये भी लगभग पूछते हैं। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब इसके जो तीन प्रॉपर्टी होती है कि आपको कब आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है,
जैसे आपका सिमेट्रिक होल्ड होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट में लिनियरिटी होना चाहिए, और थर्ड आपका कहता है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे कई बार दे देता है कि इसमें एक मैपिंग दे देगा, बोल देगा कि ये आपका इनर प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर कई बार दे देगा कि क्या कंडीशन आपकी होल्ड होनी चाहिए कि आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस बने, इस टाइप से पूछता है। तो इसमें ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे प्रीवियस ईयर में वो ट्राई कर लेना, यहीं से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से पूछ लेता है कभी कभी, क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो यहाँ से या तो पूछता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपके कब आइसोमोर्फिक होंगे, ठीक है, जो आपकी बार इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके दिसंबर 2019 में। उसके बाद आपसे पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही ये है, पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनेट पूछ लेता है। तो यहाँ से भी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की, बस कि आपका जो भी दे रखा है एक मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट कब होगा, सेमी पॉजिटिव सेमी नेगेटिव का कंसेप्ट आपको देखना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म का कि कब ये एक दूसरे के आइसोमोर्फिक होती है ओवर रियल नंबर और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तो यही थे जो इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपका हो गया तो आप 15 में आई थिंक 10 to 11 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको रिकॉल या रिवाइज कर लेना है, इसके आसपास जो भी क्वेश्चंस आपका आता है वो आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए, बाकी ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।